हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस सेकंड पार्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास नाइन्थ। जो क्लास नाइन्थ है इसका ये लास्ट पार्ट होगा एमसीक्यू के, या फिर मैं कहूँ वन वर्ड का ही है बेटा ये। और इसके बाद आपको दो वीडियो और मिलेंगी इसी चैप्टर की, और वो होंगे टेस्ट सीरीज़। आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो देखने को मिलेगी बेटा। तो पहला पार्ट आप देख चुके हैं और अलग से हमने प्लेलिस्ट है वो बना दी। अब नाइन्थ के भी जितने भी चैप्टर होंगे वो आपको सभी इस प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे बेटा। कुछ मैंने एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करने की कोशिश की है, वो आगे बताऊँ। जैसे आपने पढ़ा है कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट या लेटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है उसके बारे में आपने नॉर्थ साउथ पढ़ा होगा, फिर मैंने कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, क्वेश्चन को जो क्वेश्चन है उनको पूरा समझें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या आता है, टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग, जो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप है इसको इंक्लूड करने के बाद हमारी कोस्टल लाइन है वो कितनी हो जाती है, ठीक है ना। जो कोस्टल लाइन है उसके बारे में पूछा है, तो वो है हमारी 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर इज राइट आंसर। और विदाउट अंडमान एंड निकोबार भी है वो आपसे पूछ सकता है, वो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा। देखिए एक क्वेश्चन है, इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, द नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया, जो इंडिया के साथ उनकी जो लैंड बाउंड्री है, ये बात यहाँ पे जो लैंड बाउंड्री है वो किन किन के साथ है वो शेयर होती है, तो ये आपको बताना है। ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल है और भूटान है। मैंने लैंड पूछा था बेटा, और यदि खाली कुछ भी नहीं होता इंडिया के जो नेबरिंग जो कंट्री है उनके नाम लिखें, तो आप जो श्रीलंका है उसका नाम है वो लिख सकते थे। यहाँ पे लैंड बाउंड्री के बारे में मैंने आपसे पूछा बेटा। सबसे कम जो बाउंड्री जो लगती है वो लगती है हमारे अफगानिस्तान के साथ, और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री जो लगती है वो लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो तीनों ओर से इंडिया से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए मैं पढ़ देता हूँ, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का वो कितना है, 68°7' ईस्ट। यहाँ पे आप वेस्ट भी लिख सकते थे बेटा, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल आप मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो केवल ईस्ट के अंदर शो किए जाते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट के अंदर और जो लेटिट्यूड होते हैं वो केवल नॉर्थ के अंदर ही उनको प्रेजेंट है वो किया जाता है बेटा। तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो डालने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे 68°7' वेस्ट भी लिख सकते हैं, और ईस्ट भी लिख दिया तो भी सही होगा, 297°25' ईस्ट इज करेक्ट। व्हाट इज द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, जो लॉन्गिट्यूड आपको समझ आ गया, अब लेटिट्यूड की बात करते हैं। लेटिट्यूड जो एक्सटेंट है वो है 8°4' N 37°6' N। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्मॉलेस्ट जो स्टेट है वो है गोवा, और यदि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो वो है सिक्किम बेटा। अकॉर्डिंग टू एरिया तो है गोवा, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सिक्किम। काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम इन्हीं में होती हैं। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो एक्सटेंट की जो दूरी है जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है हमारी नॉर्थ से साउथ तक। विच स्टेट डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वो कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिस जो अपनी बाउंड्री है वो किसी इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसके साथ शेयर नहीं करता, या किसी दूसरे साथ दूसरे देश के साथ उसकी जो बाउंड्री है वो टच नहीं होती, वो है बेटा मध्य प्रदेश। विच कैनाल रिड्यूस इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाई 7000 किलोमीटर,
कौन सी एक रिवर है उसके बनने से जो यूरोप और जो इंडिया की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई, तो वो है स्वेज कैनाल। क्या बेटा? स्वेज कैनाल है ये, और जो अफ्रीका महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को जो कनेक्ट करती है, आप कनेक्ट करने के लिए लगा लीजिए या फिर उसको सेपरेट करती है, तो वो है हमारी स्वेज कैनाल ही। विच ओशियन हैज़ नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, कि कौन सा ओशियन है जिसका जो नाम है वो किसी कंट्री के नाम पे, वो कौन सा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है, तो वो है इंडियन ओशियन, क्योंकि जो इंडियन ओशियन है उसका नाम हमारे देश के नाम से ही पड़ा है। ठीक है बेटा। व्हाट इज स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या होती है? देखिए, इन नैरो चैनल ऑफ सी दैट कनेक्ट टू लेयर बॉडीज ऑफ वाटर। देख, एक साइड जैसे एग्जांपल है श्रीलंका और इंडिया, आप मैप के अंदर खुद देख लेंगे और ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। चाइना इज द ब्लैंक लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी है, यह है फोर्थ, और इंडिया कौन सी है, सेवन्थ है। चलिए, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग की बात करूँ तो चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकेंड है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया के लिए, आप एक ट्रिक है वो लिख लीजिए बेटा, रुख चीन अब भारत आ, रुख अपने लिख लिया होगा, फिर बोलता हूँ रुख चीन अब भारत आ, रू से रूस कैसे कनाडा, रुख ये देखिए रूस कनाडा चाइना, रुख चीन अब, क्योंकि यहाँ पे जो गलत शो किया गया है ये फोर्थ नहीं बेटा, ये थर्ड ही है। ठीक है ना, इसको याद रखना कि एरिया के अकॉर्डिंग जो चाइना है वो थर्ड रैंक है। ठीक है ना, ट्रिक आपको मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज, कितना जो टाइम है उसका अंतर है वो देखने को मिलता है आपको, तो वो है 2 आवर, लगभग 120 मिनट। द साउथर्न मोस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड इज, तो वो है हमारा कन्याकुमारी। द स्वेज कैनाल ओपन इन विच ईयर, कौन से साल है वो बनी थी, तो 1869 के अंदर, और ये देश आपसे पूछ लिया जाए तो वो है इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर है। चलिए बेटा, अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बेटा। इंडियन टोटल एरिया अकाउंट फॉर द, कि मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे कितना वर्ल्ड के अंदर इंडिया के पास कितना एरिया है, कितनी परसेंट लैंड है, तो वो है 2.4%, और पॉपुलेशन पूछ ली जाए तो वो है 17.4%। एरिया आपको पता चल गया 2.4% और पॉपुलेशन है 17.4%। चलिए बेटा, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एन आइलैंड, भारत को कौन सा पड़ोसी देश है जिस जो एक आइलैंड है, तो वो है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए इसमें आप कोई भी नेम एनी टू स्टेट ऑफ इंडिया दैट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री, तो इसमें आप कोई भी अपना आंसर है वो दे सकते हैं बेटा, तो इसमें कोई भी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे पंजाब और जम्मू कश्मीर है वो दे रखा है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज ऑफ इंडिया, कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा अकॉर्डिंग टू एरिया, तो वो है राजस्थान, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है वो है हमारा कौन सा, यूपी। नेम द इंडिया इंडियन स्टेट विच आर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, आपको उन राज्यों के नाम लिखने, उन स्टेट के जो नाम है वो लिखने हैं जो ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड हैं, तो अब नीचे से तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना है, उड़ीसा है, और वेस्ट बंगाल है, ये इज़ द करेक्ट आंसर बेटा। चलिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, नेम द इंडियन स्टेट विच आर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, अब पहले आपसे सॉरी ये वेस्टर्न कोस्ट, पहले ईस्टर्न पूछा था, अब वेस्टर्न पूछा, केरला कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इन विच ईयर डिड द इंदिरा पॉइंट गेट सबमर्ज अंडर द सी वाटर, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक रेलवे, SSC, CGL, एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा,
चाहे आप NTSC के बच्चे हों तो बेटा इसको जरूर देखना, और CBSE के वन वर्ड के अंदर आपसे पूछ सकता है या MCQ के अंदर पूछ सकता है कि जो इंदिरा जो पॉइंट था वो कब समराइज हो गया, तो वो हो गया 2004 के अंदर, सुनामी आई थी 2004 के अंदर, जब ये पूरा तहस नहस हो गया और जल के अंदर समा गया। नेम द स्टेट दैट शेयर बाउंड्री विद, देखिए नेम द स्टेट दैट शेयर बाउंड्री विद जो म्यांमार है उसके साथ। यहाँ पे आपसे पाकिस्तान भी पूछ सकता था और बांग्लादेश भी, नेपाल भी, भूटान भी, इनसे भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो पूछा वो केवल म्यांमार के बारे में पूछा है। तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड इज द करेक्ट आंसर बेटा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बेटा ये हमारा, विच मेरिडियन हैज़ सेलेक्ट हैज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट, ठीक है ना, 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट, इसको हमारा जो स्टैंडर्ड जो मेरिडियन जो टाइम है वो लिया गया है। अब आपको बतानी है कि ये इंडिया में से किस स्थान से गुजरती है, ये आपको बताना बेटा, ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आपको दो वीडियो हैं वो बेटा अगली पार्ट के अंदर मिलेंगी, एक वीडियो उसके अंदर आपसे क्या है कि केवल टेस्ट लिया जाएगा कि आपने कितने आपकी जो तैयारी है, आपको टाइम दिया जाएगा 3 से 5 सेकंड के बीच में और आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।